नमस्कार दोस्तों, विपुल राजपुरोहित आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल विपुल एजुकेशन पर। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पर मैं वीडियो लेके आया हूं, बहुत ही सीरियस टॉपिक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बहुत सीरियसनेस के साथ देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आप आए मेरे चैनल पर पहली बार तो कीजिए चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दें। दोस्तों, इस समय क्या है, भारतवर्ष में रिजल्ट्स जो है निकल रहे हैं, स्टेट वाइज रिजल्ट्स निकल रहे हैं स्टूडेंट्स के। लेकिन एक बहुत बड़े साथ में न्यूज़ भी आ रही है कि बहुत जगह से स्टेट्स में जो है तेलंगाना में पीछे जो घटनाएं घट रही है, स्टूडेंट्स जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, ये बहुत ही गलत बात है। यानी स्टूडेंट्स एक मार्कशीट के टुकड़े के लिए अपने जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, बहुत ही गलत बात है। स्टूडेंट्स, आप एक मार्क्स जैसे आप मार्क्स कम बन गए इसके लिए अपने जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, ये बहुत ही बहुत गलत बात है। स्टूडेंट्स, एक मार्कशीट का टुकड़ा आपका पूरा जीवन नहीं है, लेकिन आपका पूरा जीवन जो है वो एग्ज़ाम है, जो इस वीडियो का टॉपिक है कि जीवन ही एग्ज़ाम है। जीवन में आप बहुत सारी परीक्षाएं देते हैं और बहुत सारी परीक्षाओं में असफल भी होते हैं, तो क्या लोग सभी यही कदम उठा लें? और सबसे पहले मैं अभिभावकों से भी कहना चाहूँगा कि अपने जो लाडले हैं वो आपके लाडले हैं, न कि उनकी जो मार्कशीट का टुकड़ा है वो आपका लाडला है। अपने लाडलों पर ध्यान दें, न कि उनके मार्कशीट बढ़ाने की तरफ कि ये आपके इतने मार्क्स नहीं आए और आप उसके इतने मार्क्स आए। कंपटीशन की भावना जो है अच्छी होनी चाहिए, लेकिन पॉजिटिव कंपटीशन होनी चाहिए। नेगेटिव नहीं, कंपेरिजन नहीं करना चाहिए कि उसके फलाने की तो इतने परसेंटेज बन गए और आप इतने कम। ये जो है भावना विद्यार्थियों में डिप्रेशन लाती है, स्ट्रेस लाती है, और स्ट्रेस जो है विद्यार्थियों के लिए अच्छा नहीं है। तो दोस्त, अभिभावकों से भी यह है कि जब भी रिजल्ट आए, जैसा भी रिजल्ट आए, उसे स्वीकार करें, क्योंकि हर बच्चा जो है एक्स्ट्रा टैलेंट लेके पैदा होता है, लाइफ में कुछ ना कुछ बनेगा। अगर आप हम बात करें कि भाई सचिन तेंदुलकर हैं, वो अगर दसवीं के एग्ज़ाम के बजाय अपने क्रिकेट पर ध्यान दिया और वो आज इतने बड़े क्रिकेटर बन गए। लेकिन आप ये चाहते हैं कि आपका बच्चा भाई हर एग्ज़ाम, हर माँ बाप की इच्छा होती है कि भाई वो बड़ा होकर बहुत बड़ा डॉक्टर, साइंटिस्ट, इंजीनियर बने, बहुत अच्छी बात है। लेकिन प्रेशर ना बनाए कि आपको यह बनना ही है। कंपटीशन अच्छा रखें, पॉजिटिव रखें, हेल्दी कंपटीशन रखें। और स्टूडेंट से ये अपील है कि आप अपने रिजल्ट के प्रति ये ना रखें कि बस ये मैं तो फेल हो गया, आप जीवन ख़त्म है ना, ये जीवन नहीं है। एक मार्क्स से आपका जीवन कुछ नहीं होता, इसीलिए क्या है, मैं जीवन में यही आप स्टूडेंट्स, बहुत सारी ऐसी खबरें पढ़कर मन थोड़ा विदारक हो जाता है कि भाई इस प्रकार के स्टूडेंट्स कदम उठा रहे हैं, तो ऐसा ना करें। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिन्हों बहुत अपने स्कूल टाइम बहुत कम रहे, लेकिन आज वो दुनिया में टॉप कर रहे हैं। तो इसीलिए स्टूडेंट्स, आपके लिए ये वीडियो था कि आप जीवन सबसे बड़ा एग्ज़ाम है। जीवन बहुत सारे एग्ज़ाम होते रहेंगे, असफल होंगे, सफल होंगे, गिरेंगे, उठेंगे, लेकिन जीवन के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ न करें। तो स्टूडेंट्स, ये आपका वीडियो जो है मैंने आपके मोटिवेशन के लिए बनाया है कि स्टूडेंट्स जीवन के साथ बिल्कुल भी अपने जीवन के साथ खिलवाड़ ना करें मार्क्स के लिए। तो स्टूडेंट्स, ये जो आपका वीडियो है ये इतना ही था, बस यही कहना चाहूँगा आपको। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करें और नीचे सब्सक्राइब का जो बटन होता है उसे प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए। अगर आपको इसी प्रकार के एग्जाम संबंधी मोटिवेशनल वीडियो चाहिए तो इस चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, और स्टूडेंट्स टेक केयर।